मार झेल रहे लोग काफी परेशान हैं। आज हम पहुंचे हैं पटना के बीजेपी कार्यालय, जहां आप देख सकते हैं ग्राम रक्षा दल के जो मित्र हैं, पुलिस मित्र हैं, वो सुबह से ही आज बीजेपी कार्यालय के बाहर से इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि मुझे वेतन मान दिया जाए और अस्थायी करने की भी प्रक्रिया जारी किया जाए, अन्यथा ये लोग आत्मदाह करने का भी निर्णय लिया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं बैनर पर लिखा हुआ है कि ग्राम रक्षा दल गृह सह पुलिस मित्र बिहार मानदेय अस्थाई करने हेतु आत्मदाह। तमाम तरह से जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो ग्राम रक्षा दल के लोग हैं, वो यहां पहुंच चुके हैं और सुबह से ही बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पे लगे हुए हैं। क्या कुछ मांग है आप लोग का, बताइए इधर ताकि बताइए। हम लोग की मांगे हैं अस्थायीकरण, मानदेय दे, अस्थायीकरण करे, नहीं तो आज हम लोग यहीं पर आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन वापस घर नहीं जाएंगे। बैरी सरकार जो है ना 10 साल से दौड़ा रही है और इधर उधर बहाना करके बहाना बना रही है, भटका रही है, लेकिन आज हम भटकने वाले नहीं है। कितने दिन से आप लोग नौकरी कर रहे हैं? हम लोग विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं। पैसा अभी तक नहीं मिला है? पैसा कुछ नहीं मिला है, बस अनुशंसा ही मिल रहा है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं दिया। जहाँ की काम लेने की होती है, सरकार हम लोग से काम ले लेती है। कोरोना में काम किए, कोरोना महामारी में, दुर्गा पूजा में काम किए, छठ पर्व में काम किए, शराबबंदी में काम किए, हर पर्व में काम लेती है सरकार। आप देख रहे हैं साफ तौर पे जो महिलाएं हैं काफी आक्रोश भी है, कुछ पुरुष भी है। क्या कुछ डिमांड है आप लोग का? हाँ सर, अस्थायीकरण और मानदेय सर 10 बार भी पटना आए होंगे, खाली हमको बोल देता है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है सर। हम लोग लॉकडाउन में साल भर काम किए, बैंक में ड्यूटी किए सर, आज तक एक पैसा नहीं मिला। 14 साल के दरमियान में 1 रुपया नहीं मिला। भुखमरी का समस्या आ गया, फिर लॉकडाउन लगने वाला है, क्या खाएंगे सर? बहुत हालत में हम लोग का खराब हो गया। कहाँ से आए हैं? भागलपुर जिला से आए हैं सर, जगदेशपुर प्रखंड बाईपास थाना से। मेरा नाम है ओम प्रकाश। सभी लोग जो है कहाँ से आए हैं? पूरे बिहार से आए हैं? बिहार से आए हैं सर, पूरा बिहार से आए हुए। आप देख रहे हैं, आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा किस तरीके से जो महिलाएं हैं अपने बच्चे को लेकर भी यहां पहुंची हुई हैं, और जो पुरुष हैं वो तमाम पूरे बिहार के जो ग्राम रक्षा दल के सह पुलिस मित्र हैं, वो आज सुबह सुबह ही बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंच चुके हैं। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग कुछ भी कदम उठा सकते हैं। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, बताइए क्या करेंगे आप लोग अगर आज पुलिस भी आएगी यहाँ से हटिए, यहाँ धरना प्रदर्शन का जगह नहीं है। बच्चे को साथ में लाए हैं, बच्चे को भी यहीं पे मानते हैं। आप लोग को पता है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना मना है। मना है तो क्या करेंगे? अनुशंसा नहीं ना सुन सकते हैं? बार बार देखिए बच्चों होगा कर देगा। हम सुल्तानगंज से वर्षा कुमारी, जिला भागलपुर। आप देख रहे हैं साफ तौर पे जो ये ग्राम रक्षा दल के लोग हैं, ये काफी उत्साहित हैं, काफी आक्रोश में हैं। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कई वर्षों से नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है, ना ही अस्थाई की कोई बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अनुशंसा और सिर्फ आदेश ही मिल रहे हैं, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं, जिसको लेकर आज ये लोग सुबह सुबह ही पटना के बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। ईटीवी के लिए पटना से राजीव रंजन।